हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे आसान तरीके से एथिक्स पढ़ना। सिविल सेवकों के लिए एथिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है यूपीपीएससी में और यूपीएससी में, जो कि जीएस पेपर 4 के रूप में है। तो हम आज एथिक्स का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में अभिवृत्ति किया था, जिसका मैंने पूरा पार्ट आपको करवा दिया है। अगर आपको उसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज हम शुरू करेंगे अभिवृत्ति ही टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलेबस में, तो उसमें पॉइंट है सिविल सेवकों के लिए अभिरुचि और मूल्य। तो मूल्य हम बाद में करेंगे, पहले हम अभिरुचि करते हैं। प्रॉपर लाइन दी हुई है सिविल सेवकों के लिए अभिरुचि, लेकिन इसमें हमने बहुत सारे सब पार्ट्स डिवाइड किए हैं, तो आज हम उसका पहला पार्ट करेंगे। ऐसे ही सीरीज लेकर आऊँगी। जब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, तब मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, जो कि हमारे सक्सेस मंच पेज पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही हमारी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये पहुँच सके जिनको एथिक्स की वीडियोज़ की ज़रूरत है, जो कि हिंदी में है और बिल्कुल ईजी वे में हम लोग एथिक्स पढ़ेंगे। इससे आसान आपको एथिक्स कहीं भी नहीं मिलेगी। और पॉइंट वाइज मैं आपको एक एक चीज़ इसमें कराती जा रही हूँ। टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी सीरीज एक साथ चलानी है। प्री के एस्पिरेंट्स को भी ध्यान में रखना है और मेंस के एस्पिरेंट्स को भी, तो दोनों चीज़ें साथ में हम लोग लेकर चल रहे हैं। काफ़ी कमेंट्स की वजह से मुझे इतनी सीरीज चलानी पड़ गई हैं, लेकिन मैं अपना प्रॉपर टाइम से वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेसन शुरू करते हैं। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, इसका पार्ट वन आज हम करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक था ये अभिवृत्ति में अंतर्वस्तु संरचना कार्य, ये सारा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका हम सेकंड टॉपिक यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। तो हम सिर्फ अभी इतना ही करेंगे सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, क्योंकि अभिरुचि क्या होती है, उसकी विशेषताएँ क्या होती है, हमें सब कुछ इसमें समझना है। सिर्फ एक लाइन में सिविल सेवा के लिए अभिरुचि समझने से काम नहीं चलेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे एग्जामिनर, तो हमें पूरा प्रॉपर ये टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। बुनियादी मूल्य सिविल सेवा के लिए ये हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टॉपिक के रूप में करेंगे इसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम ये करते हैं। मैंने इसमें जो इसके सब टॉपिक डिवाइड किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसकी अवधारणा, मतलब कि इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि अभी रुचि या अभी क्षमता दोनों को सेम कहा जाता है। एप्टीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, अभी रुचि या अभी क्षमता हिंदी में कहा जाता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अभी क्षमता या बुद्धिमत्ता में क्या संबंध होता है, अभी क्षमता और रुचि में क्या संबंध होता है, या अभी रुचि भी कह सकते हैं, अभी रुचि और रुचि में क्या संबंध है, दोनों डिफरेंट होते हैं। अभिक्षमता और परीक्षण में क्या संबंध होता है, अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है, ये हम करेंगे। जैसे कि हमारा CSET होता है, ये अभिक्षमता परीक्षण होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, लोक सेवकों के लिए अभिक्षमता, जो कि प्रॉपर हमें टॉपिक वाइज एग्ज़ाम के सिलेबस में दिया गया है, तो ये हम इसमें करेंगे। तो इसे मैंने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अब इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। सबसे पहले चलते हैं, हम पढ़ते हैं एप्टीट्यूड की अवधारणा पे। एप्टीट्यूड होता क्या है, अब आपके आस पड़ोस में या आप ही खुद अपना देखिए कि आप किसी एस्पिरेंट्स को गाना अच्छा लगता है, किसी एस्पिरेंट्स को खेलना अच्छा लगता है, और किसी को किसी और कार्य में रुचि है। रुचि अलग होती है, अभिरुचि अलग होती है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अभिक्षमता और अभिरुचि सेम है, तो रुचि होना एक अलग बात है, लेकिन अभिरुचि होना उसी चीज़ के प्रति अलग बात है। अभिरुचि को क्या किया जाता है कि हम किसी विशेष ट्रेनिंग द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, ज्ञान द्वारा या किसी नॉलेज द्वारा अगर किसी की अंदर की विशेषताओं को जगाते हैं, उसकी विशेषताओं को आगे बढ़ाते हैं, तो वो अभिरुचि की श्रेणी में आ जाता है। रुचि को ही निखारना, उसे बढ़ाना, वो अभिरुचि की श्रेणी में आ जाता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कहें तो ये हो सकता है कि अभिक्षमता से आशय
व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मतलब कि अगर कोई ऐसी कोई चीज़ तत्परता है, ज्ञान है और प्रशिक्षण है, इस टाइप की चीज़ है आपके अंदर, आपको मिल रही है ये चीज़, और उसके द्वारा आप किसी भी टर्म को, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहे हैं, तो उसे ही अभिक्षमता या अभिरुचि कहा जाता है। इसका विकास कैसे हो सकता है? इसको शिक्षण, प्रशिक्षण द्वारा और समय अनुसार सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। मतलब कि टाइम के साथ साथ कोई काम करते रहो, जैसे कि कोई एक शेफ है, खाना बनाना शुरुआत में थोड़ा ख़राब बनाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस द्वारा वो खाना अच्छा बनाने लगता है, तो वो उसकी अभिरुचि के द्वारा वो चीज़ उसकी सुधर गई, तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। अब मैं इसकी एक आध डेफिनेशन बता देती हूँ कि बिंघम के अनुसार आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है, इसमें कोई भी इधर से उधर शब्द नहीं होना चाहिए। अभिक्षमता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसकी ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। मतलब कि उसको प्रशिक्षण दिया गया किसी व्यक्ति को किसी काम के प्रति, और उसकी फिर उसका जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, उसकी दक्षता में भी चेंजेस आएंगे, और उस दक्षता और ज्ञान के द्वारा वो अपनी प्रतिक्रिया करेगा, उस कार्य को पूर्ण करेगा। तो ये सारी योग्यता अभिक्षमता के अंतर्गत आती है। और एक और मैं परिभाषा देना चाहूँगी, इसको मैं वर्बली आपको बता देती हूँ, आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रीमैन के अनुसार अभिक्षमता का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट, ज्ञात तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे कि किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि आपको जर्मन भाषा सीखने का शौक है, शौक होना ही बहुत बड़ी, इसे रुचि कहा जाएगा। अगर आपको जर्मन भाषा सीखने का इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है, तो इसे रुचि कहा जाएगा। बट अगर उसी इंटरेस्ट को आप गए किसी कोचिंग क्लास में, या आपने स्पेशल क्लासेस ली, या यूट्यूब पे वीडियोस देख के ही जर्मन भाषा सीखी, और आपने उसको, अपने गुणों को बढ़ाया उसको, तो उसे आप कहेंगे अभिक्षमता या अभिरुचि। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रुचि और अभिरुचि में क्या फ़र्क होता है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभिक्षमता और अभिरुचि दोनों एक ही टर्म है। कभी मैं अभिरुचि बोलूँगी और अभिक्षमता, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि दोनों ही एक ही टर्म है। तो अभिक्षमता जो होती है वो किसी व्यक्ति की विशेषताओं का संयोजन होता है, कि उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हैं, जो ये बताता है कि अगर उस व्यक्ति को बहुत ही उचित वातावरण मिले उस गुण के संबंध में, उसे प्रशिक्षण दिया जाए, तो वह किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है, ये अभिक्षमता द्वारा पता लगाया जा सकता है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग एग्ज़ाम देते हैं प्री का, तो उसमें सी सेट का एग्ज़ाम होता है, तो वो पेपर 1 और पेपर 2, GS1 और GS2 होता है। अब GS1 और GS2 को जो बच्चा, जो एस्पिरेंट्स क्लियर करता है, उसी को मेंस देने का मौका मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ कि आपके अंदर कितनी अभिक्षमता है कि आप उस जॉब को पाने के लायक हो, आप उस कैटेगरी में जाने के लायक हो जिसके लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो यही होता है अभिक्षमता, इसी को अभिरुचि भी कहा जा सकता है। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब इसकी हम विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ विशेषताएँ दी हैं, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं लास्ट में जब ये वीडियोज़ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। सिंपल, अभी जो मैंने बताया कि अभिक्षमता या अभिरुचि की जो पहली विशेषता है वो वर्तमान गुणों का समुच्चय है। अगर आपके अंदर गाना गाने का गुण है, अगर आपके अंदर खाना पकाने का गुण है, अगर आपके अंदर क्रिकेट खेलने का गुण है, तो ये जो भी गुण है आपके अंदर, उसका पूरा इकट्ठा एक समुच्चय अभिक्षमता होती है। जैसे कि आपका GS पेपर 1 आता है, उसमें हिस्ट्री आता है, उसमें पॉलिटी आता है, उसमें साइंस आता है,
उसमें ज्योग्राफी आता है, उसमें करेंट अफेयर्स आते हैं, तो आपके अंदर इस पूरे सारे जितने भी इसके गुण हैं पेपर के, वो सारी अगर इकट्ठा अच्छी क्षमता है उसको अटेम्प्ट करने की, तभी आप उस प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस जितने भी गुण होते हैं इसका समुच्चय होना इसमें बहुत अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट होता है भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित। ऑब्वियस है, अगर आपके अंदर किसी चीज़ का गुण है तो वो आपका बताता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपके अंदर गाने की रुचि है और आपको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए तो आपका फ्यूचर सिंगिंग में बन सकता है। अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, आपको मतलब कि आपको कोचिंग दी जाए या आप कहीं से भी पढ़ाई करें अच्छे से, तो आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो ये भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है। किसी को साइंस में इंटरेस्ट होता है तो वो आगे चल के डॉक्टर बन सकता है। तो ये इससे हमें पता चल जाता है, जैसे बच्चों को कहते नहीं पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते हैं, तो वैसे ही जिस हिसाब से जिसका इंटरेस्ट होता है उसी हिसाब से उसका फ्यूचर दिखाई देता है कि फ्यूचर में वो इंसान क्या कर सकता है। थर्ड इसमें पॉइंट है अमूर्त संज्ञा, मतलब कि ये किसी वस्तु का नाम नहीं है अभिक्षमता, या किसी पर्टिकुलर प्लेस थिंग, ये संज्ञा नहीं है, ये अमूर्त है, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, ये व्यक्ति का एक अंग समझा जाता है, जो कि जो मैंने ऊपर बताया कि ये गुणों का समुच्चय होता है, ये किसी पर्टिकुलर एक वस्तु का नाम नहीं होता है। नेक्स्ट व्यक्ति के विशेषताओं की ओर संकेत करता है। ऑब्वियस है, गुणों की ओर संकेत करता है, तो व्यक्ति के अंदर जो जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अभिक्षमता ही बता सकती है। अगर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या पर्टिकुलर कोई टेस्ट, इस एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, तो इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में कितना अच्छा है, कितनी विशेषता रखता है उस फील्ड में। तो इससे अभिक्षमता के कारण विशेषताओं का पता चलता है, उसकी ओर संकेत करता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है जन्मजात अधिक अर्जित कम। ऑब्वियस है, थोड़ा सा ये चीज़ होती है इसमें, ये जो साइंटिस्ट द्वारा प्रूफ है ये मैं बता रही हूँ कि ये जन्मजात ज़्यादा होता है, अर्जित भी होता है, लेकिन उतना नहीं कह सकता। आमतौर पे अभिक्षमताएँ जन्मजात होती हैं, अर्जित भी हो सकती हैं, लेकिन वो अर्जित कैसे होती हैं, ट्रेनिंग द्वारा, नॉलेज द्वारा, ज्ञान द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, और इन सब चीज़ों से अर्जित हो सकती हैं। अब किसी का गला अच्छा है गाना गाने में, तो उसको ट्रेनिंग कम भी दी जाएगी तो भी वो अच्छा सिंगर बन सकता है, लेकिन किसी का गला ही नहीं अच्छा तो वो सिंगर कैसे बनेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा किया जाता है कि अर्जित कम होती है, जन्मजात अधिक होती है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि कोई क्रिकेट खेलने में बहुत अधिक रुचि रखता है, लेकिन बाय चांस वो विकलांग है, क्रिकेट नहीं खेल सकता है, तो इसे हम कहेंगे जन्मजात अधिक होती है, अर्जित कम होता है। उसका मन भी अगर करेगा, प्रशिक्षण भी लेगा, तो भी वो उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा जितना नॉर्मल पीपल खेल पाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ, कोई इसे पर्सनली प्लीज़ ना ले, मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर एक कॉमन बात आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रुचि योग्यता संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध होता है इसका। ऑब्वियस बात है, अगर अभिक्षमता किसी है तो उसकी रुचि से उसका संबंध होगा, उसकी योग्यता उसी के अंदर होगी, उसकी संतुष्टि उसके अंदर होगी। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट उसकी रुचि होगी, क्रिकेट में उसकी योग्यता होगी, क्रिकेट खेल के उसको संतुष्टि मिलेगी, तो ये उसका इन तीनों से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। जन्मजात या अर्जित एवं अर्जित गुणों के मध्य संबंध इसके अंदर होता है कि जो हमारे अंदर जन्मजात गुण हैं, गाना गाने का जन्मजात गुण है, और अर्जित गुण, गाना गाने का गुण तो है लेकिन सुर ताल लय का हमें कुछ नहीं पता, ये तो हमें अर्जित ही करना पड़ेगा। अब सारे गामा पा थोड़ी ना जन्मजात ही इंसान सीख के आता है, गला ही तो लेके आ सकता है ना जन्मजात, तो इसलिए उसे गुण सीखना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन किया जाए, इन दोनों को एक साथ रखा जाए, तब उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, वो उस चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो ये जन्मजात और अर्जित गुण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के मध्य संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है सीखने की दुविधा विशिष्टता एवं स्थिरता का महत्व। अभिक्षमता के अंदर होता है कि जो सीखने की दुविधा होती है, किसी चीज़
को के बारे में कोई विशिष्ट ज्ञान अर्जित करना होता है और किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति स्थिरता होनी होती है, उसका महत्व इसमें अधिक बढ़ जाता है अभिक्षमता के अंतर्गत। तो आज हमने अभिक्षमता या अभिरुचि की परिभाषा देखी, अवधारणा देखी, पर्टिकुलर एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा देखी, मैंने एक वर्बली आपको समझाई, तो अगर आपको वो लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आज हमने फिर नेक्स्ट उसकी विशेषताएं देखी, जो कि हमने यहाँ 8 विशेषताएं देखी हैं। इसमें से आप जिस हिसाब से पेपर आएगा उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द से जल्द इसके और पार्ट्स लेकर आऊँगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चीज़ अलग से समझाऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।